तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद हो कि दोस्तों अच्छे होंगे और अच्छे ही रहें। तो दोस्तों मेरा नाम है नितिन और आप सभी देख रहे हैं आपके अपने टेक हेल्प मास्टर चैनल को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप अगर अपने चैनल का दोस्तों के डिटेल्स देखना चाहते हैं, मतलब आप अपने चैनल के सब्सक्राइबर और व्यू और वाच टाइम वगैरह देखना चाहते हैं, तो आपको कैसे और कहाँ चेक करना चाहिए एकदम दोस्तों करेक्ट सब्सक्राइबर और व्यू और वाच टाइम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लें, जो भी दोस्तों मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारे वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों क्या मतलब, अधिकतर दोस्तों बहुत लोग देखते हैं YT स्टूडियो में जाकर अपने व्यू सब्सक्राइबर, लेकिन आप YT स्टूडियो में देखते होंगे कि वहाँ पर दोस्तों कुछ सब्सक्राइबर गलत दिखाते हैं, कुछ वहाँ पर घटते बढ़ते रहते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ YT स्टूडियो में जाके कि हमारे सब्सक्राइबर कितने हैं, व्यू वाट टाइम वगैरह कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखते हैं, यहाँ पर हमारे दोस्तों वाच टाइम दिखा रहा है वो 3 घंटे 56 मिनट, और व्यूज जो दिखा रहा है 2 घंटे 294, और सब्सक्राइबर हैं 231। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ दिखा रहा है। अगर यहीं हम अपने अबाउट सेक्शन में जाएं, चैनल के अबाउट सेक्शन में, और वहाँ पर दोस्तों अभी कुछ और दिखाता है और YT स्टूडियो में कुछ और दिखाता है। तो चलो हम चलते हैं अपने चैनल में अभी अबाउट सेक्शन में। तो दोस्तों अभी हम अपने चैनल में आ चुके हैं, यहाँ से हम अपने चैनल के अबाउट में जाते हैं, और चैनल के अबाउट में जाके यहाँ पर दोस्तों आप व्यू देख सकते हैं वो जो 663 हैं और दोस्तों 54 सब्सक्राइबर हैं। और यही मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो हमारा व्यूज़ जो है 294 दिखा रहा है, सब्सक्राइबर 31 दिखा रहा है, वहाँ ऊपर दोस्तों 54 सब्सक्राइबर दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर वॉच टाइम जो है 3 घंटे 56 मिनट। दोस्तों YT स्टूडियो में क्या होता है, यहाँ पर व्यूज और सब्सक्राइबर आपका घटता बढ़ता रहता है, लेकिन आपको करेक्ट सब्सक्राइबर एकदम करेक्ट सब्सक्राइबर वॉच टाइम और व्यूज़ कहाँ चेक करना है। तो ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम को ओपन कर लेना है। जैसे ही क्रोम को ओपन करेंगे दोस्तों आपको करना क्या है, अपना यूट्यूब ओपन कर लेना है। अभी मैं आपको दोस्तों यूट्यूब को ओपन शुरू से करके दिखा देते हैं। जैसे ही आप अपने दोस्तों क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको दोस्तों ये जहाँ पर थे 3 डॉट दिख रहे हैं इस पर एक बार क्लिक कर लेना है, और यहाँ से आपको न्यू इन्फो टाइप पर दोस्तों क्लिक कर देना है, और यहाँ से अपने यूट्यूब को दोस्तों ओपन कर लेंगे। लिख के YouTube.com यहाँ पर हम लिख देते हैं YouTube.com। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमने दो YouTube.com लिख के यहाँ पर दोस्तों हमने अपने यूट्यूब को ओपन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली करना है उस दोस्तों ये 3 डॉट पर क्लिक, यहाँ से आपको करना क्या है इस डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करेंगे आपकी मोबाइल फ़ोन का जो लुक है दोस्तों वो PC जैसा दिखेगा। अब आपको थोड़ा सा जूम करना है और यहाँ से ऊपर जाना है साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ से आपको सबसे पहले अपने ईमेल और पासवर्ड डाल के साइन अप कर लेना होगा, तब आप अपने यूट्यूब के इंटरफेस में जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, यहाँ से हम अपना जो है ईमेल और पासवर्ड डाल के दोस्तों साइन अप कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम अपने जो नंबर डाल चुके हैं अभी यहाँ पर दोस्तों हम अपनी ईमेल और पासवर्ड डालकर यहाँ से दोस्तों साइन अप कर लेंगे। और दोस्तों फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपना जो ईमेल और पासवर्ड है वो डाल लिया है, और दोस्तों अब हमारा यूट्यूब जो है वो एकदम सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं हमारा दोस्तों एकदम यूट्यूब अब दोस्तों सक्सेसफुली यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, थोड़ा सा जूम करना है, यहाँ पर आपको अपने लोगों के चैनल पर, लोगों पर नहीं क्लिक करना है, यहाँ पर आपको 3 डॉट पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो 3 डॉट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको माई चैनल पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको माई चैनल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप माई चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का दोस्तों इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको वीडियो प्रबंधक पर क्लिक कर देना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये वीडियो प्रबंधक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर वीडियो प्रबंधक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दोस्तों दिखाई देगा। तो दोस्तों जब ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा तो आप थोड़ा सा जूम करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर एक दिखेगा एनालिटिक्स का ऑप्शन, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आसानी से दोस्तों। ये दोस्तों है एनालिटिक्स, ठीक है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर लेना होगा। तो चलो हम इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप एनालिटिक्स पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आपके चैनल का दोस्तों पूरा डिटेल देखने को यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगा। अभी तो दोस्तों यहाँ पर लोड हो रहा है, अभी हमारा इंटरफेस जो है दोस्तों ओपन नहीं हुआ। अब दोस्तों अगर देखें तो हमारे चैनल का दोस्तों यहाँ पर पूरा डिटेल दिखाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमें देखे जाने के कुल समय 3 घंटे 65 मिनट,
और दोस्तों यहाँ पर देखे जाने की संख्या 278 यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। और दोस्तों पसंद यहाँ पर 85 लाइक हैं और नापसंद दोस्तों यहाँ पर हैं 2, यानी कि पसंद दोस्तों लाइक और यहाँ पर नापसंद डिसलाइक, और यहाँ पर 11 कमेंट्स और यहाँ से दोस्तों 52 शेयर। दोस्तों शेयर का मतलब जहाँ जहाँ आपने अपने वीडियोज को शेयर किया होगा, जितनी बार शेयर किया होगा वो यहाँ पर पूरा डिटेल दिखाएगा दोस्तों, पूरा आपके चैनल का दोस्तों डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और नीचे प्रमुख वीडियो आपको यहाँ पर जितने वीडियो दोस्तों जितना टाइम इसको देखा गया होगा दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल इसमें दिख जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आप अपने सब्सक्राइबर और दोस्तों पूरे अपने यूट्यूब चैनल का डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना।